नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। 4 जुलाई से शुरू होगा सावन का पवित्र महीना। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रयागराज वाराणसी हाईवे की एक लेन कांवड़ियों के लिए रहेगी आरक्षित। यह व्यवस्था 4 जुलाई से 30 अगस्त तक रहेगी। कांवड़ भक्तों की आस्था का ध्यान रखते हुए यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री और खरीद पर लगाया प्रतिबंध। भोजन शिविर में खाद्य पदार्थों की भी होगी जांच। G20 सम्मेलन में भाग लेने आए मुस्लिम प्रतिनिधियों ने की ऋषिकेश में मां गंगा की आरती। योग से निरोग रहने का दिया संदेश। सीएम धामी भी हुए आरती में सम्मिलित। बद्रीनाथ धाम के आसपास नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, ना होगी कुर्बानी। मुस्लिम संगठनों के साथ पुलिस की बैठक में बनी सहमति। ट्रिपल तलाक कानून के समर्थन में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने कहा, सरकार जल्द करे इसे लागू, लाखों जीवन को बर्बाद होने से बचाए। भारतीय मूल की उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ आरती होला मैनी यूएनओ में निदेशक के रूप में हुई नियुक्त। आरती मूल रूप से भारत के पंजाब की रहने वाली है। एक नल एक पेड़ अभियान चलाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। पहली बार यूपी के गांव-गांव में रोपे जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। 1 से 7 जुलाई तक चलेगा अभियान। शोध और नवाचार के दम पर दुनिया के टॉप संस्थानों में आईआईटी कानपुर का नाम। क्यूएस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी रैंकिंग में मिला 278वां रैंक। भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में आईआईटी कानपुर का स्थान। फिल्म आदि पुरुष से नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक और लेखक से पूछा कि आप कुरान पर बना सकते हैं ऐसी फिल्म। ऐसी फिल्म का सेंसर बोर्ड से पास होना भी ब्लंडर है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.